देखो हम लोग एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखते हैं कोविड-19 जो महामारी है उसके ताल्लुक से, जिसमें बार बार हम लोग रिपीटेडली इस चीज़ को दोहराते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो इसको बचा सकती हैं। अभी भी हम लोग पेंडेमिक से बाहर नहीं निकले, तो पेशेंट और जितने भी हॉस्पिटल में लोग होते हैं सब इसको समझते हैं आपस में कि किस तरह से इससे इफेक्टिवली हम लोग बच सकते हैं। उनको ज़्यादा दिक्कत होती है जिनको ये हो जाता है, फिर उनसे पूछिए कि हॉस्पिटल का चक्कर और उसके बाद भी ठीक हो जाने के बाद जो उनके बॉडी में सीक्वेंस यानी जो उसकी बीमारी जाने के बाद जो अपना इम्पैक्ट छोड़ जाती है कितना खतरनाक होता है। कई लोग डॉक्टर्स भी हैं जिनका फेफड़ा अभी तक सही नहीं है, बीमारी ख़त्म हो गई लेकिन उसका इम्पैक्ट उसका खराब जो है अभी तक लोगों से। आज की जो चर्चा है उसमें डॉक्टर जमी मैम है जो अभी आपको बताएंगे इसके बारे में कि क्या छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जो हम रखे हैं तो इससे बच सकते हैं। ये कोरोना तो पुरानी नाम तो सब बच्चे बच्चे की जबान पे है कि कोरोना क्या है, तो ये ऐसी बीमारी है जिसका प्रिवेंशन ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। इससे बचना, इस बीमारी से बचना, इस बीमारी से आप 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है, सब कुछ जानता है लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं? फॉलो नहीं होता, यही हम लोग मार खा जाते हैं। लोगों को फॉलो करना है उस चीज़ को। जैसे कि रिसर्च हुआ है कि मान लीजिए कि हमको कोरोना है, हम कोरोना पॉजिटिव, हमने मास्क नहीं लगाया और सामने एक आदमी उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया तो उनको कोरोना होने का 95% चांस है कि उनको कोरोना हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हमने मास्क लगा लिया और उन्होंने नहीं लगाया, हमको कोरोना है, हमने मास्क लगा लिया, सामने वाले ने नहीं लगाया, तो उनको कोरोना होने का चांस सिर्फ 25% है, 25%। लेकिन हम दोनों ने लगा लिया अगर मास्क तो सिर्फ 5% चांस है कि मेरे कोरोना से तो दूसरे आदमी को भी कोरोना होगा, सिर्फ 5%। तो मास्क इतना ज़रूरी है, इसलिए मास्क लगाना है, ज़रूर से लगाना है, अच्छा मास्क लगाना है। अभी तो कोरोना का कम हो गया, अदरवाइज N95 मास्क से नीचे नहीं लगाना है। कपड़े वाले मास्क बिल्कुल बेकार हैं, वो सब ऐसे गमछा लपेट लिया और वो सबसे कुछ नहीं होने वाला, मास्क लगाना है प्रॉपर मास्क। दूसरी बात डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी मतलब 1 मीटर एटलीस्ट हमारे बीच गैप होना चाहिए। अगर इस क्राउड में कोई भी एक सिंसियरली एक कोरोना पॉजिटिव अगर पेशेंट होगा तो हम लोग सारे एटलीस्ट हो जाएंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन। स्पेशली हेल्थ केयर में जो है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, जैसे डॉक्टर्स हुए, नर्सेज हुए, जो टेक्नीशियंस हैं, जो सैंपल ले रहे हैं, जो स्टाफ्स हैं हॉस्पिटल्स में, वो सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। इसलिए उन लोगों को प्रिकॉशन लेना, प्रिवेंशन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को सबको बचा सके। दूसरा कोरोना में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीन आजकल आ रहा है, वैक्सीन। यहाँ पे कितने लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लिए हैं कोरोना का? सारे लोग ने ले लिए हैं? नहीं ले लिए सर। इस वैक्सीन की वजह से भी इंडिया में जो 70-75% लोगों ने वैक्सीन लिया है उसकी वजह से आज जो इस बार जो कोरोना हुआ वो बहुत माइंड हुआ, ये भी एक रीज़न है। वैक्सीन लेना है और जितना जो 2 डोजेज है वैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो जाता है तो क्यों ले वैक्सीन? वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है लेकिन बहुत माइल्ड होगा, हल्का होगा, सिवियरिटी कम होगी, इसलिए वैक्सीन लेना है, डोज कंप्लीट करना है। अभी तो बूस्टर डोजेज आ गया है तो बूस्टर डोजेज भी लेना है, क्योंकि जो वैक्सीन का क्या मेथड है, वैक्सीन में है कि जो कोरोना वायरस जो है वही कोरोना वायरस बॉडी में डालते हैं लेकिन वो बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, वो इतना नहीं होता है कि आपको उससे कोरोना वायरस हो जाएगा, कोरोना मतलब बीमारी हो जाएगी, लेकिन वो इतना स्ट्रांग है कि बॉडी में एंटीबॉडीज बना देगी। तो वो एंटीबॉडीज जब बाद में कोरोना वायरस आपको अटैक करेगा तो वो एंटीबॉडीज उस वायरस को मार देगा और आप बच जाएंगे। इसीलिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है, वैक्सीन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं वो अपने हो साथ में और कमज़ोरी हो, मांसपेशियों में दर्द हो तो उसको मान के चलना है कि ये कोरोना है। अभी किस स्टेज में जब कोरोना हर जगह फैला हुआ है उसको मान के चलना है कि कोरोना है और उसका जांच करा देना है। अब जांच 2-3 दिन नहीं, अब एंटीजन टेस्ट होता है, आधे घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, लेजर स्वाब लिया, सैंपल लिया जाएगा, आधे घंटे में उसका रिपोर्ट आ जाएगा, आप कोरोना पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव
तो आइसोलेट कर लेना है, 7 दिन अपने फैमिली मेंबर से थोड़ा सा अलग रहना है। एंटीबायोटिक डॉक्टर्स देंगे, अगर हल्का है तो एंटीबायोटिक देंगे, एक आप दो एजिथ्रोमाइसिन देंगे या डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, जिंक देंगे, वाइटामिन सी देंगे और ठीक हो जाएंगे आप। कैसे पता चलेगा कि हमको माइल्ड कोरोना है या हमको ज़्यादा सीवियर वाला कोरोना है, ये भी तो हो सकता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर है, आजकल पल्स ऑक्सीमीटर का बहुत इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए कि किसी के पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, नॉर्मल सर्दी खांसी फीवर है, तो हो सकता है वो माइल्ड है। लेकिन कभी आप देखेंगे, जो हमने देखा है अपनी फैमिली में देखा है, कि मरीज का कॉन्शियस लेवल गड़बड़ा रहा है, मरीज पहचान नहीं पा रहा है, मरीज बोल नहीं पा रहा है, मरीज समझ नहीं पा रहा है, रेस्टलेस है, मरीज चैन से नहीं है, तो उसको क्या करना है, उसको मरीज को प्रोन पोजिशन में डाल देना है। प्रोन पोजिशन मतलब पेट के बल मरीज को कर देना है और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है। मरीज अपना वहाँ पे अपना नॉलेज नहीं दिखाना है, मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मरीज को ऑक्सीजन देना है, उसका इलाज ही है ऑक्सीजन। अब बहुत फिर बोलते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर ला के घर में लगा देंगे, कब तक लगाइएगा? अगर उसका रिक्वायरमेंट थोड़ा रहा तब, लेकिन अगर वो बढ़ गया, अगर उसका रिक्वायरमेंट बढ़ गया तब आप ऑक्सीजन सिलेंडर से काम नहीं चलेगा, तब तो आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए। 15 लीटर पर डे भी पेशेंट ऑक्सीजन लेगा तो भी उसको और की जरूरत पड़ सकती है, फिर एनआईवी जाना पड़ेगा, फिर वेंटिलेटर पे जाना पड़ सकता है। इसलिए मरीज को अगर मॉडरेट है, अगर लग रहा है कि दिक्कत है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है, घर में नहीं बैठाना है। क्योंकि अगर आप घर में बैठाए रहे, अगर उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, तो मॉडरेट से वो सीवियर हो जाएगा, और जब सीवियर होगा तो फिर आईसीयू और ऑक्सीजन का और ज़रूरत, और उसके बाद मरीज का मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, मरीज का किडनी खराब हो सकता है, मरीज का फेफड़ा तो खराब होगा ही, मरीज का लिवर खराब हो सकता है, फिर मरीज को बचाना बहुत मुश्किल है। तो उस स्टेज में जाने से पहले ही आपको एक्शन लेना है। बहुत से लोग घर में इलाज करते हैं, मरीज ठीक भी हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग घर ही में इलाज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग घर में इलाज करते हैं। अगर देखें कि नहीं, 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा फीवर रह रहा है, कफ बढ़ता चला जा रहा है, खांसी सूखी खांसी या सूखी खांसी वेट खांसी हो गई, अब उसको अंदर से बलगम आने लगा, तो तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाना, ठीक है। एक बार और कर दीजिए।